जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। वहीं पीड़िता ने थाने जाकर तहरीर दी। यह मामला थाना कटघर क्षेत्र का है। वहीं भूमाफिया जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। और कुछ भूमाफिया लोग उसका अवैध कब्जा करना चाहते हैं। घटना नंबर 307 पाकिस्तान की आराजी है। वो 307 अपना बता दें, 307 उनका खुद तक नहीं है। 307 के मालिक दूसरे हैं, जो 1999 में उनके नाम बहनामा है, मोहम्मद कद्दूर और मोहम्मद अब्दुल वहाब जगह के मालिक हैं। और ये भूमाफिया है, इसरार हैं और ये इसरार हैं, शाकिर हैं। ये लोग सट्टे खाईवाड़ी करते हैं और अवैध रूप से हमारी आराजी में कब्जा करना चाहते हैं। हमारा मुकदमा गोल्डन विचारधीन है, इसके हमारे हो गए हैं। अमीन ने मौके पर मुआयने कर दखल कब्जा उसने हमारा दिखाया। अमीन ने एक किराने पर हमने सप्ताह साहब को दे रखा है। हम लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी भी दी है और अवैध रूप से नजायज़ हमें ये लोग सताते हैं। किन लोगों ने दिए जान से मारने की धमकी? साकिब है, तुया इसरार है और मोहम्मद आसिम है। कितनी जगह कहाँ पर है ये? 1200 गज जगह है, लाजपत नगर में, मैदा मिल की बराबर में है। 306/2 27 डिब्बे का हमारा रकबा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कोर्ट के आदेश का पालन हो, मौके पर दखल कब्जा हमारा बरकरार रहना चाहिए। वो माफिया लोग उस पर कब्जा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। गुंडा मालिक हो गया, ओके, गुंडा माली हाँ लोग, और सट्टे ही खाने वाली करते हैं।